muted. Om Jai Jai Namostu Namostu Namo Arantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Ajayanam Namo Loe Sauvasahunam मेलवलीन हो जब घाती आचारोने सर्वज्ञ बोध वितरागता को पालिया है आपने उपदेश देहित कर अनेको भव्य निज सम कर लिए रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो वीर मेरे भीये वीर मेरे भीये। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम यहाँ देख रहे हैं और उसमें हमने कल अनेकांत और श्यादवाद क्वेश्चन नंबर हमने देखा था 90 और 91 अनेकांत और श्यादवाद उसका हमने पूरा स्वरूप देखा। आज हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं किस तरफ, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आप सबके सामने है। क्या है प्रश्न? सम्यक्त्व श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? प्रश्न है श्रद्धा गुण किसे कहते हैं, सम्यक्त्व किसे कहते हैं? यह बात किसकी कर रहे हैं? सम्यक्त्व की। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? देखो पहले मैं जवाब यहाँ पढ़ती हूँ, यहाँ से पढ़ती हूँ। जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास, क्या कहा फिर से एक बार फिर से, जिस गुण की निर्मल दशा, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर, जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति स्व पर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या कहा फिर से एक बार? जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने पर स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास हो तथा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति स्व पर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान इन लक्षणों के अविनाभावी अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। वह क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन है। कितने पॉइंट कहे? 5। पहला यहाँ पे कहा कि स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास, पहला पॉइंट का स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास माने यथार्थ प्रतीति, स्वशुद्धात्मा का प्रतिभास यथार्थ प्रतीति पहला पॉइंट। दूसरा सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था, सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ श्रद्धा, ये दूसरा पॉइंट। जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, ये तीसरा। जीवादि सात तत्वों की क्या? सच्ची प्रतीति है ना। चौथा स्व पर का श्रद्धान, चौथा पॉइंट स्व पर का श्रद्धान। और पांचवा आत्म श्रद्धान, क्या कहा? आत्म श्रद्धान, स्व पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। क्लियर? राइट, 5 पॉइंट फिर से एक बार मैं बोलती हूँ। 5 पॉइंट क्या क्या कहा? स्वशुद्धात्मा की प्रतीति, सच्चे देव गुरु धर्म में दृढ़ आस्था माने श्रद्धा, जीवादि सात तत्वों की सच्ची प्रतीति, स्व और पर का श्रद्धान एवं आत्म श्रद्धान,
ये इन लक्षणों के अभिना भाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। जब भी सम्यक दर्शन होता है तो ये सारे लक्षण जीव में पाए जाएंगे। जब भी आत्मा की अनुभूति होती है तब ये सारे लक्षण पाए जाएंगे। क्या क्या बताए? पांच लक्षण बताए ना। सच्चे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति होगी, मैंने कुदेव कुगुरु और कुधर्म की प्रतीति नहीं होगी। जीवादि सात तत्व की प्रतीति होगी, ठीक है। फिर स्व और पर का श्रद्धान होगा। स्व और पर, स्व माने आत्मा और उसके अलावा बाकी सब कुछ, पर उसका श्रद्धान होगा। और क्या कहा? आत्म श्रद्धान। ये पांच लक्षण सहित जो सम्यक दर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ये पांच लक्षण है सम्यक दर्शन के। क्या पांच लक्षण है? इस पर्याय का धारक सम्यक्त्व, श्रद्धा गुण, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय है। दो पर्याय होती है श्रद्धा गुण की, एक विपरीत पर्याय और एक सम्यक पर्याय। विपरीत पर्याय का नाम है मिथ्या दर्शन और सम्यक पर्याय का नाम है सम्यक दर्शन। श्रद्धा माने अहम करना, श्रद्धा माने प्रतीति करना, श्रद्धा माने रुचि, श्रद्धा माने विश्वास, श्रद्धा माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अहम करना, उसका नाम क्या है? तो कहते उसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा में प्रतीति करना है ना, अपने आत्मा की रुचि करना, अपने आत्मा का अनुभव होना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। परंतु अनादि काल से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अनादि काल से श्रद्धा का परिणमन विपरीत चल रहा है। श्रद्धा का परिणमन विपरीत चल रहा है ना, माने सारी पर्यायों में उसने अहम बुद्धि करके वो बैठा है। उसको स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं है। उसको स्व और पर का क्या नहीं है? भेद ज्ञान नहीं है। और मनुष्य आदि जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय है, कुटुंब, धन, स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, इन सारी पर्यायों में उसने क्या कर दिया है? उसने अहम पना करके बैठा है। इसीलिए उसकी श्रद्धा का क्या चल रहा है? विपरीत परिणमन चल रहा है। श्रद्धा गुण का क्या चल रहा है? अनादि काल से विपरीत परिणमन चल रहा है। और ये इसका नाम ही मोह है। इसका नाम क्या है? मोह है। इसका नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व के कारण से ये जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है। सम्यक तो हो तो संसार का क्या हो जाए? अभाव हुए बिना रहता नहीं। पूरा जो मोक्षमय प्रकाशक का चौथा अधिकार है ना, तो पूरे चौथे अधिकार में इसका ही वर्णन है। किसका वर्णन है? तो कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। उसमें कहा है ना, देखो मोह की महिमा। अंत में कहा है ना, देखो मोह की महिमा। माने कोई भी पर्याय में जाता है तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। कोई भी पर्याय में जीव जाता है ना, तो प्राप्त पर्याय में क्या हो जाता है? तन्मय हो जाता है। वो आता है ना कि भाई राजा, एक राजा था और जब एक मुनि के पास गया तो पूछा कि मुनि ने बताया ना अवधि ज्ञान में देखकर कि अब ये विष्ठा में क्या बनेगा? कीड़ा बनेगा। तो राजा ने क्या किया? उसके पुत्र को कह दिया कि भाई मैं जब मरण को प्राप्त हूं तब क्या करना? तो कहते मुझे मार डालना है ना, क्योंकि मैं वो पर्याय में रहना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जैसे बाहर आता हूँ ना, वैसे ही क्या कर देना? मुझे मार देना। तो जब वो कीड़ा बनता है, विष्ठा में उत्पन्न होता है, और जब पुत्र उसको मारने जाता है तो वो तुरंत विष्ठा में अंदर वापस चला जाता है। इसका नाम है प्राप्त पर्याय मा तन्मय। जो पर्याय में जीव जाता है उसी में क्या हो जाता है? तन्मय हो जाता है। ये श्रद्धा की विपरीतता के कारण से सारे पाप, सारे कषाय होते हैं। किसके कारण से? श्रद्धा की विपरीतता के कारण से। श्रद्धा उल्टी, एक श्रद्धा का परिणमन उल्टा, तो कहते सारे गुणों का परिणमन विपरीत। विज्ञान भी विपरीत, चारित्र भी विपरीत, और श्रद्धा सम्यक, तो सारे गुणों का परिणमन क्या होगा? सम्यक हुए बिना रहता नहीं है। श्रद्धा को दर्शन भी कहते हैं।
श्रद्धा को क्या कहते हैं? दर्शन भी कहते हैं। श्रद्धा को एक दर्शन नाम भी है। दर्शन माने सामान्य अवलोकन, दर्शन को सामान्य अवलोकन भी कहते हैं। दर्शन, एक दर्शन अपन ने किया ना, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, याद है आप लोग को, अपन ने प्रश्न किए थे दर्शन चेतना ज्ञान चेतना, है ना। तो दर्शन को सामान्य अवलोकन भी कहते हैं। और दर्शन माने, दर्शन माने श्रद्धा गुण की पर्याय, दर्शन माने श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण को भी दर्शन कहते हैं। और एक दर्शन माने सामान्य अवलोकन, वो दर्शन गुण, दर्शन गुण की बात है। परंतु यहाँ दर्शन माने क्या? यहाँ दर्शन माने श्रद्धा, अहम, विश्वास, प्रतीति, जैसी वस्तु है वैसा विश्वास करना, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विश्वास करना, उसका नाम क्या है? श्रद्धा है, उसका नाम दर्शन है। यहाँ पे कहा ना, एक पंडित जी ने उदाहरण दिया है, देखो सबसे पहले चौथे अधिकार में भी मंगलाचरण के रूप में क्या लिखा उन्होंने, इस भव तरुक, इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। उनकी सत्ता नाश करेंगे किनकी? मिथ्यात्व की। तो प्रगटे मोक्ष उपाव, मोक्ष उपाव माने मोक्ष का जो उपाय है क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो मोक्ष का उपाय है, बराबर। और मोक्ष के विरुद्ध कौन से भाव है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। क्योंकि ऊपर कहा ना, भव के सब दुखनिके, दुख के कारण कौन बताए? तीन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन भव का कारण है, संसार का कारण है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे एक रोग का दृष्टांत भी दिया, जैसे वैद्य है तो रोग के कारणों को जानता है ना, तो वो कहता है कि वो दवाई देता है और वो दवाई लेता है तो उसका रोग दूर होता है। अगर वो दवाई ही ना ले तो उसका रोग दूर नहीं हो सकता है। ऐसे यहाँ पे हमें रोग कौन सा हुआ है? मिथ्यात्व रूपी रोग हुआ है। और ये रोग, रोग जब दूर होगा तभी उसे क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी। देखो इसमें उसके बाद का प्रश्न है, यहाँ पे कहा ना स्वभाव और विभाव दो प्रकार की पर्याय। कौन सी दो प्रकार की पर्याय? स्वभाव और विभाव, ये दो पर्याय होती है दर्शन श्रद्धा की। अब देखो उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन, जैन किसे कहते हैं? छह ढाला में भी है ना, तीसरी ढाल, तीसरी ढाल में किसका वर्णन किया है? तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का वर्णन है। दूसरी ढाल में, दूसरी ढाल में किसका वर्णन था? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है, इसलिए तो वहां पे कहा ना, क्या कहा कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। छह ढाला में कहा ना, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्य से भिन्न आत्मा की रुचि, उसका नाम क्या है? सम्यक्त्व है। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे स्थिर सम्यक चारित सो ही। अपने में लीन होना उसका नाम चारित्र, अपने को आप रूप जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान, और परद्रव्य से अपने को भिन्न जानना उसका नाम क्या है? सम्यक तो है, सम्यक दर्शन है। मैंने छह ढाला में भी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, और सम्यक दर्शन का वर्णन करते वहां पे सात तत्व की भूल बताई। कितने तत्व की? सात तत्व को समझाया कि सात तत्व की विपरीत मान्यता, सात तत्व की विपरीत मान्यता है ना, उसका नाम क्या है? तो कहते हैं मिथ्या दर्शन है। शंकादि दोष का वर्णन किया, सम्यक तो होता है तो ये आठ दोष से जीव क्या हो जाता है? रहित होता है। आगे जाते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद का क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन,
जैन किसे कहते हैं? जैन किसे कहते हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जैन किसे कहते हैं? मैं यहाँ से पहले जवाब पढ़ती हूँ। देखो आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी, कोकिल आंटी, राजू आंटी, तीरू आंटी, देवेंद्र आंटी, जोश आंटी, सबको आवाज आ रही है मेरी? निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रगट की वह जैन है। क्या कही एक परिभाषा? निज शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रगट की वही जैन है। अपने आत्मा के आश्रय, देखो ये भावधारी जैन की बात की है, भावधारी जैन। निज शुद्धात्मा के आश्रय से मिथ्यात्व, राग और द्वेष को जीतने वाली निर्मल परिणति जिसको प्रकट हुई है वह कौन है? तो कहते वह जैन है। निर्मल परिणति जिसको प्रकट हुई ना, वह कौन है? तो कहते वो जैन है। ये भावधारी जैन की बात की, जिसने मिथ्यात्व का नाश किया, जिसने मिथ्यात्व का नाश किया और निर्मल परिणति जिसने प्रकट की उसका नाम क्या है? जैन है। हमने बहुत बार ये भी सारी परिभाषाएं पढ़ी है ना, जिनका भक्त सो जैन, जिनका भक्त सो जैन, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने। क्या कहा एक परिभाषा ये भी आती है कि जिनकी आज्ञा माने सो जैन, जिनकी आज्ञा मानने वाला कौन है? जैन। फिर एक हमने ये भी पढ़ी परिभाषा कि जिनेंद्र भगवान के जो मार्ग पर चलता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो कौन है? तो कहते वो जैन है। जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलता है वो जीव कौन है? तो कहते वो जीव जैन। तो तीन चार परिभाषा हमने अभी देखी। सबसे पहले एक परिभाषा क्या देखी कि यहाँ पे कहा ना, शुद्धात्मा के आश्रय से मिथ्यात्व, राग द्वेष आदि को जीतने वाली निर्मल परिणति का नाम क्या है? निर्मल परिणति का नाम जैन है। मिथ्यात्व राग द्वेष को जीतने वाली निर्मल परिणति का नाम क्या है? तो कहते जैन है। एक देखी, अब दूसरा क्या देखा हमने कि जिनका भक्त सो जैन, जिनका भक्त सो, जिन आज्ञा माने सो जैन। और तीसरी क्या देखी अभी हमने कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले उसका नाम जैन। आपको पता है खरेखर जैन कौन है, वास्तविक जैन कौन है? तो कहते सम्यक दृष्टि जीव वो वास्तविक जैन है। सम्यक दृष्टि जीव वो वास्तविक जैन है क्योंकि उसने उसने क्या कर लिया है? शुद्धात्मा का अनुभव कर। एक नामधारी जैन होते हैं ना, एक एक कुलधारी जैन होते हैं, और एक होते हैं कौन से? तो कहते एक होते हैं भावधारी जैन। तीन प्रकार के जैन बताए फिर से एक बार, नामधारी, कुलधारी है ना, नामधारी, कुलधारी और क्या बताया, एक भावधारी। तीन प्रकार के जैन की बात आती है, तीन प्रकार के। अपने ये सातवां अधिकार है ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी है ना, तो उसमें भी ये तीन धर्म माने। कुल में चली हुई परंपरा, कुल में चली हुई परंपरा है ना, परंपरा का पालन करने में ही क्या माने? धर्म माने। उसको क्या कहते हैं? उसको कुलधारी जैन कहते हैं। नामधारी, बस खाली जैन कुल में जन्म ले लिया तो वो हो गया नामधारी जैन। मात्र उसने क्या किया? तो कहते जैन कुल में उसने जन्म ले लिया तो वो हो गया नामधारी जैन, वो हो गया नामधारी जैन। और जिसने क्या किया? तो सात तत्व का निर्णय करके, तो पर का भेद ज्ञान करके अपने आत्मा का अनुभव किया तो वो हो गया भावधारी जैन। वो क्या हो गया? भावधारी जैन हो गया। क्लियर? नामधारी, कुलधारी और भावधारी, तीन प्रकार के जैन की बात आती है जिनागम में। अब देखो आगे, इसके बाद ये परिभाषा में लिखा है, मिथ्यात्व के नाश पूर्वक जो जितने अंश में रागादिक का नाश करता है वह उतने अंश में जैन है। जैसे सच्चा जैन पना तो चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को प्रकट होता है,
भावधारी जैन माने मिथ्यात्व गया तो वो सच्चा जैन बना, वो सच्चा जैन कहलाता है। फिर आगे आगे जैसे जैसे वो राग घटता जाता है ना, राग घटता जाता है उतना उतना वो और विशेष जैन पना उसको प्रकट होता है। ये यह कह रहे हैं कि जितने जितने अंश में राग घटता जाता है उतने उतना वो क्या बनता जाता है, जैन बनता जाता है। वास्तव में जैनत्व का प्रारंभ निश्चय सम्यक दर्शन से होता है और यह चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट होता है। सच्चा जैनत्व पना कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है, चौथे गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसका उसको क्या कहते हैं, उसको भी जैन ही कहते हैं। परंतु रागादि आगे आगे बढ़ता है ना तो रागादि और क्या होते हैं, तो कहते घटते जाते हैं। ख्याल आया आप लोग को? तो सच्चा जैन कौन है, सच्चा जैन कौन है, तो कहते ज्ञानी धर्मात्मा ही सच्चे जैन है, ज्ञानी जीव ही सच्चे जैन है। ज्ञानी धर्मात्मा ही कौन है, तो कहते सच्चे जैन है। बराबर ना, मिथ्या दृष्टि सच्चे जैन नहीं, क्योंकि वे नामधारी या कुलधारी है। परंतु सच्चा जैन तो तब प्रकट होगा कि जब वो आत्मा का क्या करेगा, अनुभव करेगा, तो वो सच्चा जैन बनेगा। अब देखो आगे 94 नंबर का क्वेश्चन, चारित्र किसे कहते हैं। चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन सहित स्वरूप में चरण करना रमना, अर्थात अपने स्वभाव में अकषाय रूप प्रवृत्ति करना, उसका नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन सहित अपने आत्मा में रमण करना, अकषायी स्वरूप प्रवृत्ति करना, उसका नाम क्या है, चारित्र है। आत्मा में रमणता करना उसका नाम चारित्र है। मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। क्या कहा, मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्यंत निर्विकार परिणाम ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। चारित्र में आप लिख सकते हो चारित्र माने लीनता, चारित्र माने ठहरना, चारित्र माने स्थिरता, स्थिरता। बराबर ना, ये सब चारित्र के नाम है। चारित्र के अर्थ समझा, समझ में आया आपको, चारित्र माने लीनता, चारित्र माने ठहरना, चारित्र माने लीन होना, है ना, इसका नाम है चारित्र। और चारित्र भी मिथ्या और सम्यक दो पर्याय होती है, श्रद्धा मिथ्या तो चारित्र भी मिथ्या, और श्रद्धा सम्यक तो चारित्र भी सम्यक। स्वभाव में अकषाय रूप, स्वभाव में क्या करना, अकषाय रूप, अकषाय रूप प्रवृत्ति होना, उसका नाम चारित्र। ऐसा यह चारित्र जीव का परिणाम है। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। ऐसी पर्याय को धारण करने वाले गुण को चारित्र गुण कहते हैं। ऐसी पर्याय जो धारण करता है उसको कौन सी गुण कहते हैं, चारित्र गुण कहते हैं। ऐसे परिणाम को चारित्र गुण की पर्याय कहते हैं। जो आत्मा में लीन होती है ये परिणति को क्या कहते हैं, चारित्र कहते हैं। और कौन से गुण स्थान से चारित्र प्रकट होता है, कौन से गुण स्थान से, ऐसे तो चौथे में ही आंशिक चारित्र तो प्रकट हो ही जाता है, पर खरेखर चारित्र के धारी मुनियों को कहते हैं। कौन है चारित्र के धारी, यथार्थ रूप में मुनिराज है, क्योंकि उन्होंने तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया है और सकल संयम सकल व्रतों को अंगीकार किया है, परंतु उसका अंश चौथे में ही प्रकट हो जाता है। अब देखो 95 नंबर का क्वेश्चन, कषाय किसे कहते हैं, कषाय किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा तो हमने बहुत बार पढ़ी है कि भाई आत्मा को कसे, आत्मा को दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। जो आत्मा को कसे, आत्मा को दुख दे, उसको क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं, है ना। और एक कषाय की हम संधि छोड़े, कश प्लस आय, कश माने संसार और आय माने लाभ, जिससे संसार का लाभ मिले, जिससे संसार का लाभ मिले उसको कषाय कहते हैं। कषाय क्या है, संसार का कारण है, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, ये सब कषाय है।
पच्चीस प्रकार की कषाय, कितनी कषाय कही, पच्चीस, पच्चीस प्रकार की कषाय गिनाई है जिनागम में, पच्चीस प्रकार की कषाय अपन वो देखेंगे, अभी आएगी वो कषाय, है ना। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे परिभाषा क्या दी 95 नंबर की क्वेश्चन में, मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा की विभाव परिणति को कषाय कहते हैं। मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ आत्मा की, लोभ रूप आत्मा की जो विभाव परिणति है ना, उसको क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। माने विभाव परिणाम को भी कषाय कहते हैं, विभाव परिणाम को क्या कहते हैं, कषाय। पच्चीस कौन कौन सी, तो कहते हैं अनंतानुबंधी चार, अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यान चार, प्रत्याख्यान चार, स्वंजलन चार, और हास्य आदि नौ, नौ कषाय, है ना। ख्याल है, 16 + 9 कितनी हुई, 25। कौन कौन सी फिर से एक बार बोलती हूँ, अनंतानुबंधी चार, अपन बोलते हैं ना कि दो कषाय चौकड़ी, एक कषाय चौकड़ी, तीन कषाय चौकड़ी, चार कषाय चौकड़ी, तो अपन ने ऐसा बोला ना एक कषाय चौकड़ी, तो एक कषाय चौकड़ी में चार, चार आते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इसलिए कहा जाता है एक कषाय चौकड़ी, क्योंकि अनंतानुबंधी के वापस चार भेद, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो एक कषाय चौकड़ी। फिर दो कषाय चौकड़ी में क्या आएगा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, है ना, उसकी चार, अप्रत्याख्यान की चार, फिर प्रत्याख्यान की चार, स्वंजलन की चार, स्वंजलन की चार, और नौ नौ कषाय, हास्य आदि नौ नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक, ये नौ कषाय। तो इस प्रकार से यहाँ पे कषाय की हमने दो तीन परिभाषा देखी, मिथ्यात्व तथा क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा के विभाव परिणाम को कषाय कहते हैं, आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं, और तीसरी देखी जिससे संसार का लाभ हो उसे कषाय कहते हैं। तो 95 नंबर का क्वेश्चन हमने कषाय किसे कहते वो देखा। अब देखो आगे चारित्र के कितने भेद है, चारित्र के कितने भेद, तो कहते चार भेद है, स्वरूपाचरण, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये तो एकदम पक्के करना, क्योंकि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज है, ये चारित्र का स्वरूप तो हमें बराबर ख्याल होना चाहिए, क्या क्या कौन कौन से चार प्रकार के चारित्र कहे, स्वरूपाचरण, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। पहले आप गुणस्थान लिख सकते हो इसमें कि भाई चौथे में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है, पांचवे में देश चारित्र, छठे में, छठे सातवें में सकल चारित्र, और ग्यारहवें बारहवें में यथाख्यात चारित्र, है ना। ये प्रकट होने की बात नहीं, चौथे में स्वरूपाचरण, पांचवे में देश चारित्र, छठे सातवें में सकल चारित्र और ग्यारहवें बारहवें में यथाख्यात चारित्र। क्या क्या जाता है तो ये चारित्र प्रकट होता है, कौन सी कषाय जाती है, तो अनंतानुबंधी गई तो स्वरूपाचरण चारित्र, अप्रत्याख्यानावरण कषाय गई तो देश चारित्र, प्रत्याख्यानावरण कषाय गई तो सकल चारित्र, और स्वंजलन कषाय गई तो यथाख्यात चारित्र। क्लियर, चार कषाय गई तो ये सामने चार प्रकार के चारित्र। हमने एक एक गुणस्थान में भी देखा कि भाई कैसे कैसे गुणस्थान आगे बढ़ता है, कषाय जाती है और चारित्र प्रकट होता है। सबसे पहले देखो 97 नंबर का क्वेश्चन, स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं, मिला आप लोग को स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा क्या परिभाषा दी, निश्चय सम्यक दर्शन होने पर आत्मानुभव पूर्वक आत्मस्वरूप में जो स्थिरता होती है, किसमें किसमें, आत्मस्वरूप में जो स्थिरता होती है उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। स्वरूपाचरण चारित्र का एक दूसरा नाम भी है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, दो नाम आते हैं उसके, एक नाम क्या बताया स्वरूपाचरण चारित्र, और दूसरा नाम आता है चारित्र के लिए, दूसरा नाम आता है
सम्यक्त्वाचरण चारित्र, दो नाम आते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र और सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्लियर? चारित्र किसे कहते हैं? सम्यक्त्वाचरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र, ये दो नाम आते हैं। ये चारित्र किसको प्रकट होता है? अविरत अविरत सम्यक दृष्टि को होता है, माने चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहो या स्वरूपाचरण चारित्र होता है। किनको? चौथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि को होता है। उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उसके सम्यक दर्शन पूर्व जितनी स्थिरता हुई बराबर उतना उनको चारित्र प्रकट हुआ, इसको कहेंगे स्वरूपाचरण चारित्र। अब देखो आगे, देश अनंतानुबंधी कषाय गई ना, कौन सी कषाय गई? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी कषाय गई तो सामने यहाँ पे कौन सा चारित्र प्रकट हो गया? स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो। अनंतानुबंधी, अनंत प्लस अनुबंधी, अनंत प्लस अनुबंधी, हम अनंतानुबंधी की संधि छोड़े तो अनंत प्लस अनुबंधी। अनंत माने संसार, संसार, और अनु माने साथ साथ, और बंधी माने बंधने वाली। संसार, संसार माने संसार में बांधने वाली, अनंत संसार को बांधने वाली जो कषाय होती है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अनंत, अनंत का अर्थ आप मिथ्यात्व भी ले लो, मिथ्यात्व माने मिथ्यात्व के साथ साथ, अनंत माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के परिणाम, अनु माने साथ साथ, और बंधी माने बंधने वाली। मिथ्यात्व के साथ साथ बंधने वाली जो कषाय होती है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। पहली हो गई। अब देखो दूसरा 98 नंबर का क्वेश्चन, देश चारित्र किसे कहते हैं? देश चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन सहित, निश्चय सम्यक दर्शन सहित अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यानावरण कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में चारित्र की आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को देश चारित्र कहते हैं। क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पे ये कहा निश्चय सम्यक दर्शन सहित, माने सम्यक दर्शन तो है ही, दो कषाय गई अभी, कौन सी? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तो दो कषाय के अभाव पूर्व अब आत्मा की जो आंशिक शुद्धि हुई, और आंशिक शुद्धि होने से उत्पन्न होने वाली शुद्धि विशेष को, क्या कहा? शुद्धि विशेष को ये देश चारित्र कहते हैं, माने दो कषाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धि होती है उसको कहेंगे देश चारित्र। कौन सी दो कषाय गई? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यानावरण कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अब अप्रत्याख्यानावरण हम उसको उसको उसकी संधि छोड़ते हैं तो कैसे किस कैसे करेंगे अपन, उसका अर्थ कैसे करेंगे? अ अ माने किंचित, अ माने किंचित, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, अ माने किंचित, प्रत्याख्यान माने त्याग, है ना, प्रत्याख्यान माने त्याग, और आवरण माने ढकने वाली। आवरण माने के जो ढकती है, किसको ढकती है, किसको ढकती है? किंचित त्याग को, माने किंचित भी त्याग नहीं होने देती। कौन? ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय, माने अप्रत्याख्यानावरण कषाय होगी, है ना, तो उसको उसको उस चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी को किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं होते। अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, और आवरण माने ढकना, माने किंचित भी त्याग नहीं होने देना, उसको कहेंगे अप्रत्याख्यानावरण कषाय। उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ये चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है ना, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का, तो इसलिए चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्माओं को किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं आते हैं, किंचित भी त्याग के परिणाम नहीं आते हैं,
तो उसको अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। क्लियर। दो कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली जो वितराग परिणति है उसको कहेंगे देश चारित्र, है ना। ये हो गया 98। अब आ जाओ 99 के ऊपर। 99 एक वाक्य है नीचे यहाँ पे दिया है। इस श्रावक दशा में व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं, शुद्ध निश्चय देश चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार व्रतादिक से बंद होता है। निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। निश्चय चारित्र के बिना क्या नहीं हो सकता है? निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता। अब निश्चय नहीं है तो फिर व्यवहार चारित्र नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आगे जाते सकल चारित्र किसे कहते हैं? सकल निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने से अनंतानुबंधी आदि तीन जाति की कषायों के अभाव पूर्वक आत्मा में उत्पन्न होने वाली भावलिंगी मुनि दशा मुनि पद के योग्य शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। क्या कहा? तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव किया ना। कौन कौन सी तीन कषाय? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान का हम वापस अभी उसकी संधि छोड़ते हैं तो प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, सकल त्याग, पूरा पूरा त्याग। और आवरण माने ढकना, माने जो कषाय पूरे पूरे त्याग को ढकती है, पूरे पूरे त्याग, पूरे त्याग माने पूरे त्याग नहीं लेने देती, तो उसको कहेंगे प्रत्याख्यानावरण कषाय। पांचवे गुणस्थान वाले को प्रत्याख्यानावरण का उदय है ना, इसलिए पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक पूरे व्रत अंगीकार नहीं कर सकते। आंशिक व्रत तो है, क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण गई, परंतु अभी भी प्रत्याख्यान का उदय है ना, इसलिए वे पूरे व्रतों को अंगीकार कर सकते नहीं है। उसको कहेंगे कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरण कषाय। कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरण कषाय। शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। इसको सकल चारित्र कहो, इसको सकल संयम कहो, महाव्रत कहो, ये संयम कहो, सब कुछ एक ही है। मुनि पद में 28 मूलगुण आदि के शुभ भाव होते हैं। वहां क्या कहा था ऊपर? उनको अनुव्रत होते हैं। देश चारित्र होता है तो बाहर में क्या होता है? अनुव्रत। और सकल चारित्र होता है तो महाव्रत। क्या होता है? महाव्रत। व्यवहार सकल चारित्र कहते हैं जिन जो मुनिराज ने बाहर में अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव सकल चारित्र, और बाहर में उनको क्या होगा साथ में? 28 मूलगुण का, 28 मूलगुण के धारण हो, धारण करने वाले होंगे, पालन करने वाले होंगे। निश्चय चारित्र आत्माश्रित होने से मोक्ष मार्ग है, धर्म है, और व्यवहार चारित्र पराश्रित होने से शुभ भाव बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं। जो भी शुभ भाव है वे सब बंध के कारण, फिर वो 28 मूलगुण के भाव हो, वो अनुव्रत के भाव हो, है ना, कोई भी परिणाम हो, वे सब बंध के कारण। अब लास्ट यहाँ पे आज का प्रश्न अपन देखते हैं, 100 नंबर का प्रश्न। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? यथाख्यात चारित्र, ये चारित्र देखो यहाँ पे लिखा है। जवाब, उत्तर, निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध होने वाली, पूर्ण शुद्धता होने से कषाय के सर्वथा अभाव पूर्व उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न होने वाली आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। क्या कहा फिर से? यहाँ पे कहा ना, क्या कहा? कि निश्चय सम्यक दर्शन सही चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता से होने से, पूर्ण शुद्धता होने से कषायों के सर्वथा अभाव हो गया। मैंने अभी कहा ना यथा क्या चरित्र 11वें 12वें में प्रकट होता है, तो उसमें सारी कषायों का क्या हो गया? अभाव हो गया। इसलिए आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। सारी कषाय के अभाव पूर्वक जो शुद्धि हुई उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। आपको पता ही है यथाख्यात चरित्र प्रकट होता है ना, कब होता है? जब स्वंजुलन कषाय का अभाव होता है, लास्ट चौथे वाली स्वंजुलन कषाय। तो स्वंजुलन का अर्थ लिखना, स्वंजुलन, संज्वलन। तो संज्वलन का अर्थ कैसे करेंगे हम? सम प्लस ज्वलन, सम
प्लस ज्वलन, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संज्वलन, बराबर ना। अब यहाँ पे कहा कि सम माने अच्छी तरह से, और ज्वलन माने प्रकाशित होना। ज्वलन माने क्या होना? प्रकाशित होना, उसको क्या कहते हैं? स्वंज्वलन, उसको कहते हैं स्वंज्वलन, है ना, अच्छी तरह से प्रकाशित होना। जीव के सकल संयम परिणामों के साथ जो अच्छी तरह से प्रकाशित होती है, रहती है, नष्ट होती है, जलती है, उसको क्या कहते हैं? उसको संज्वलन कषाय कहते हैं। सकल संयम परिणामों के साथ जो जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित नहीं होती, लेकिन सकल संयम के साथ रहती है, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। जैसे छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान, आठवें, नौवें, दसवें, है ना, ये सब जो गुणस्थान है तो उसमें वे संयम का घात नहीं करती, ये 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 कषाय, संज्वलन कषाय क्या नहीं करती, तो कहते संयम का घात नहीं करती है, संयम के साथ जो अच्छी तरह से रहती है तो उसको कौन सी कषाय कहते हैं? संज्वलन कषाय कहते हैं। हमने ये सब देखा था जब हमने मार्गणा स्थान किया था ना, जब हमने मार्गणा स्थान किया था तब हमने जब कषाय मार्गणा किया था तब हमने उसको डिटेल में एक एक पूरा हमने पढ़ा था ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ना संज्वलन, ये सब हमने भेद उसमें डिटेल में देखे थे। जो एक यहाँ पे तत्वार सूत्र में दिया है, सम माने समीचीन, सम माने समीचीन, सकल माने कषाय के अभाव रूप यथा क्या चारित्र, ज्वलन माने जलन करे, अर्थात यथा क्या चारित्र जो दग जो नष्ट करती है, जलाती है, उसे संज्वलन कहते हैं, वह संज्वलन है। यथा क्या चारित्र क्या करती है? यथा क्या चारित्र, तो कहते यथा क्या चारित्र संज्वलन कषाय को जला देती है। यथा क्या चारित्र क्या करता है? संज्वलन कषाय को जला देती है, नष्ट कर देती है ना। ग्यारहवें बारहवें में संज्वलन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है ना। तो यथा क्या चरित्र प्रकट होने पर ये कषाय का अभाव हो जाता है। ऐसे हमने चार अभी यहाँ पे कषाय देखे, चार कषाय के अभाव में चार प्रकार के चारित्र के जो प्रश्न थे वो हमने देखे, स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण, देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्या चारित्र, यथाख्या चारित्र। ऐसे हमने अभी ये 100 नंबर के क्वेश्चन तक आज हमने यहाँ देखा। कल हम 101 नंबर के क्वेश्चन से चालू करेंगे। कल भी ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख, वीर्य, भव्यत्व, भव्यत्व, जीवत्व, प्राण किसे कहते हैं, द्रव्य प्राण, भाव प्राण, है ना। तो ये पूरा एक प्रकरण है जो हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसे हमें भी ऐसी दशा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दशा प्राप्त हो और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को बंद नाशत बार है, बंद नाशत बार है।